हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ गुड, एवरीवन इज़ सेफ। सब लोग मास्क पहन रहे हैं मेरी तरह, यहाँ लटका के नहीं घूम रहे हैं। मैं तो अभी कोई नहीं आसपास, इसलिए नहीं पहना मैंने, बट आप लोग जब भी बाहर जाओगे तो ज़रूर पहनना, बिकॉज कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। सो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एंड मास्क ज़रूर पहनना। सो के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो मेरी इज़ गोइंग टू बी अबाउट एनिमल बर्थ कंट्रोल, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा मेथड है जिससे हम एनिमल्स की रियलिटी में हेल्प कर सकते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली डॉग्स की बात करूँगी, बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, एंड फिर उनकी बहुत ज़्यादा डेथ होती है, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाता है, कोई बीमारियों की वजह से मर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उनका बर्थ कंट्रोल किया जाए, बिकॉज़ अगर उनका बर्थ कंट्रोल होगा तो डॉग्स की प्रजाति ऐसी नहीं है कि वो बहुत जल्दी एक्सटेंड हो जाएगी, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं डॉग्स। स्पेसिफ़िकली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रीट एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊँगी कि हम कैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि एनिमल बर्थ कंट्रोल है क्या। हम फीमेल और मेल डॉग को जब वो मेटिंग करते हैं, उसके बाद जो बच्चे रिप्रोड्यूस होते हैं वो मेटिंग सीज़न में होता है। तो जैसे कोई भी अभी जो सीज़न चल रहा है वो मेटिंग सीज़न है। अगर हम अभी फीमेल्स या मेल्स की स्टरलाइजेशन करवा दें कि उनका जैसे नसबंदी करवा दें जिसकी वजह से बच्चे पैदा ना हो, मेटिंग तो वो करेंगे ही, मेटिंग तो हम नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज एनिमल्स को ह्यूमंस डिक्टेट नहीं कर सकते कि मेटिंग नहीं करनी है, वो अलग बात है। बट एटलीस्ट रिप्रोडक्शन कम होगी, बच्चे कम पैदा होंगे, क्योंकि स्ट्रीट एनिमल्स स्ट्रीट डॉग्स जो पैदा होते हैं वो एक एक करके नहीं होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि 6-7 एक बैच जो एक फीमेल डॉग होती है वो एक टाइम पे 6-6 7-7 बच्चे पैदा करती है, एंड देन वो सड़क पे मरते हैं, देन उनको कोई गाड़ी के नीचे कुचल देता है, कोई बीमारियों से मर जाते हैं, कोई कैसे मर जाते हैं। उससे अच्छा तो उनका बर्थ कंट्रोल हो जाए ताकि वो ऐसे दर्दनाक मौत ना मरे। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको यही देखना है, आपको देखना है कि आपके आसपास मेल्स ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा है। अगर आपके आसपास मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप फीमेल डॉग्स को सबसे पहले तो आप वेटनरी से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके हर गाँव में, हर सिटी में, हर टाउन में वेटनरी ज़रूर होती है, हर एरिया में एक वेटनरी ज़रूर होती है। फिर गवर्नमेंट वेटनरी नहीं होगी तो प्राइवेट वेटनरीज भी होती हैं, देन एनजीओ भी डेफिनेटली होते हैं जो एनिमल हेल्पिंग करते हैं। अगर आप बड़ी सिटी से हैं तो पक्का एनजीओ होगा, अगर आप स्मॉल सिटी से हैं तो वेटनरीज तो पक्का होंगी, एंड उनका काम होता है बर्थ कंट्रोल करवाना ताकि डॉग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े, ताकि कोई मतलब ऐसे रेबीज़ या कोई और बीमारियां ज़्यादा ज़्यादा ना बढ़ें, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपके एरिया का आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत बाद में हमें होती है। हम बहुत लोग बोलते हैं कि वो लोग काटने पड़ते हैं, वो लोग पीछे भागते हैं, बिना मतलब के मर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग कंप्लेंट्स तो करते हैं पर हेल्प तो कोई नहीं करता। तो इस बार हमें हेल्प करनी है, इस बार हमें करवाना है। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है उनमें से मतलब अगर 10 लोग भी ये करवाएंगे ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि अगर एक फीमेल डॉग 6 पपीज़ को भी बर्थ देती है, उनके आगे लाइफ कैसी होगी, क्या नहीं होगा। लोग अडॉप्ट बहुत कम करते हैं और बहुत बुरी दुर्दशा होती है। तो अगर हम 10 लोग मिलके सिर्फ 60 पपीज़ की हम फ्यूचर बचा सकते हैं, तो वी शुड डू दैट। आई थिंक प्लीज़, अगर आप एक पर्सन
ऐसी जाने बचा सकते हैं, मतलब उनको ऐसी जिंदगी में लाने से बचा सकते हैं जिसमें वो मरेंगे, जिनमें उनको पता नहीं क्या बीमारियां होंगी, क्या होगा, तो प्लीज़ डू दैट। तो सबसे पहले तो अपनी वेटनरी को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, फिर उनसे आप बताइएगा कि मेरी एरिया में इतने फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं, एंड क्या हम कर सकते हैं। तो वो आपको ज़रूर ज़रूर हेल्प करेंगे। या तो आप एनजीओ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनजीओज भी हेल्प करते हैं, थोड़ा सा उनको फंड की प्रॉब्लम होती है, बट आई एम श्योर कि आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। देन प्राइवेट वेटनरीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ़ंड खुद देना होगा या फिर आप डोनेट करवा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। बट मेरी ये वीडियो में आने का सिर्फ यही मकसद है कि मेटिंग सीजन स्टार्ट होने ही वाला है, स्टार्ट हो चुका है। मधुमक्खी, सो आई वुड वॉन्ट कि जितने भी लोग ये थोड़ी बहुत ही मेरी वीडियो समझ पाए हैं, देख रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत अभी समझ आया, प्लीज़ अपने आसपास देखो। अगर आप एक भी एनिमल, एक भी डॉग की मतलब आगे रिप्रोडक्शन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे बहुत 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 हेल्प हो जाएगी स्ट्रीट एनिमल्स की। सो मेरी वीडियो बनाने का बस इतना सा ही मकसद था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल पे हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ 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 एक्शन लेना। हम कंप्लेंट्स तो सब लोग करते हैं, बट एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। सो प्लीज़ टेक एक्शन, डू समथिंग अबाउट इट, एंड मुझे बताना ज़रूर प्लीज़। आई वुड लव टू नो, बिकॉज़ कुछ अच्छा किया तो स्प्रेड तो करना चाहिए ना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट हम मिलके अच्छे अच्छे और वीडियोस बना सकें और आइडियाज़ निकाल सकें और हेल्प कर सकें। एंड दैट्स इट, थैंक यू।